नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं केपी एक्सप्रेस में कर्नाटका की सुर्खियों पर। कर्नाटक उपचुनाव, सिंगी में बीजेपी की जीत। सीटी में टॉप करने के बाद बॉय ने नीट में प्रवेश किया। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने जारी किया सीट मैट्रिक्स। कर्नाटका को 2 से अधिक सरकारी डेंटल कॉलेजों की जरूरत है। राज्योत्सव पुरस्कार जीतने वाले दंत चिकित्सक। राज्योत्सव पुरस्कार के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी, कर्नाटका सीएम बोम्मई। उद्योगों की मदद के लिए नए नियम, निरानी। कर्नाटका राज्य क्रिकेट संघ पर बाहरी लोगों के लिए कन्नड़ लोगों को दरकिनार करने का आरोप। सिद्धरामैया ने जेडीएस विधायक श्रीनिवास को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। मरणोपरांत राज्योत्सव पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं। 70 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 30 से कम छात्र मंत्री। बेंगलुरु के निवासियों को घर घर 58 सेवाएं मिलेंगी। अगले साल से सीधे राज्योत्सव के विजेताओं को चुनेगी सरकार, कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई। क्या कांग्रेस ने सीधे मतदाताओं को दिया पैसा, ईश्वरप्पा ने किया सवाल। कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक एक सीट जीती। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास माने ने हंगल उपचुनाव में 7373 मतों से जीत दर्ज की। कर्नाटका के लोग बदलाव की तलाश में हैं, डीके शिवकुमार। पुनीत राजकुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बेंगलुरु का युवक गिरफ्तार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बोम्मई ने केआरएस काबिनी बांधों में वैगना की पेशकश की। एमईएस ने फिर मनाया कर्नाटक राज्योत्सव पर काला दिवस। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।